परिस्थिति तो खराब थी 2022 तक, किसी भी तरह से कार्यकर्ता अपना घर चला रहा था, लेकिन उनको आज जो इतनी दयनीय परिस्थिति हो गई और मजबूर इस कदर हो गए कि लोगों को पलायन करना पड़ा, लोग मुंह छुपा करके आज जिल्लत भरी जिंदगी जी रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसे लोगों की वजह से जिन्होंने उनको मजबूर कर दिया, परेशान कर दिया। मैं कुछ दिन पहले एक ऑडियो जारी किया था, उसको लेकर के भी बहुत लोग वाद विवाद में डाल दिए और मेरे ऊपर ही बल्कि उस बात को लेकर के और देखिए, मैं ये कहूंगा, मुझे मालूम है कि देखिए ना तो आप उन लोगों के विरोध में हैं ना वो आपके विरोध में हैं। सब लोग देखिए एक ही जहाज में बैठे हैं और जब जहाज डूबेगा तो सब डूब जाएंगे। तो मेरी ये कोशिश है कि जहाज बचे, सब लोग बच जाएं और नया रास्ता निकल जाए। और इसके लिए एक करके रास्ता निकाल रहे हैं। जैसे देखिए, हमने अगर PIL लगवाने में हमने मदद की तो उसके पीछे का रास्ता ये था कि जो निवेशक होपलेस हो गए हैं, उनको कोई आस नहीं दिखाई पड़ रही है, तो वो अदालत जाएं और अदालत का थोड़ा हथौड़ा चले तो सारे लोग एक्टिव होंगे और करके उनको दे दिया जाएगा। नहीं तो सारे लोग क्या है कि बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि कुछ होगा, इसमें सब लोग इन्वॉल्व हैं। मैं उस नजरिए से बोल रहा हूं। उसी तरीके से आज मैं, अगर मैं एजेंट की बात को उठा रहा हूं तो मैं उनको भी देख रहा हूं। तो मेरा यह मानना है कि जिस जहाज के साथ मिलकर के आप लोग तैर रहे थे, चल रहे थे, वो जहाज को क्या करना है, उस जहाज को बचना चाहिए या डूब जाना चाहिए? और अगर बचना चाहिए तो बचने की बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? जहाज चलाने वाले की है या जो जहाज के साथ पीछे पीछे चल रहे हैं उनकी है? तो ये जहाज चलाने वाले को भी तय करना पड़ेगा ना कि इस जहाज को हमें बचाना है। और लाखों लोग अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उनको एक नए हिम्मत के साथ काम करना पड़ेगा। आपकी क्या राय है इस मामले में? जी, उसी 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 पॉइंट पे आ रहा हूं मैं। सर, याद कीजिए सर, उस दिन को जिस दिन सारा श्री चिल्ला चिल्ला करके कोर्ट में बोल रहे थे कि मेरे साथ 12 लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। सारा श्री, अगर मान लीजिए कि पायलट थे, जहाज का पायलट अगर वो थे, आप अगर पायलट को जेल में डाल रहे थे, जिस दिन जेल में डाला जा रहा था, बोल रहे थे कि हमारे 12 लाख रोटी का सवाल है, उस पर भी ध्यान दिया जाए। लेकिन क्या वजह था कि उन 12 लाखों की रोजी रोटी के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया और उनको सीधा जेल में डाल दिया गया? तो परिस्थिति वहां से खराब होना शुरू हुआ। उसके बाद जो स्थिति दयनीय हुई वो 2022 के बाद हुई, जब 2022 में दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टे लगाया। उस समय भी हमारी मैनेजमेंट स्टे जब लगाई गया कि हमारे साथ परिस्थिति ये है कि एम्बार्गो लगा हुआ है, जी, हमें राहत दिया जाए। माफ कीजिएगा सर, कॉल एक आ गया था जिसकी वजह से डिस्टर्ब हो गए। लेकिन हाँ बोलिए। कोई सुनवाई नहीं किया गया बल्कि स्टे लगा दिया गया। उसके बाद दो तीन ऐसे अराजक तत्व पैदा हुए जिन्होंने आज जो परिस्थिति है उस पर हमारे कार्यकर्ताओं को मजबूर होना पड़ा और आज अपनी जिंदगी जैसे तैसे लोग जी रहे। लेकिन फिर भी सहारा इंडिया परिवार अपने कार्यकर्ताओं को फिर से उसी प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए अग्रसर है, काम कर रही है। बहुत जल्द लोगों को काम मिलेगी। लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ जो पैराबैंकिंग है उसे भी चालू कर रही कन्हैया, है। कन्हैया ये मैं कन्हैया ये नहीं नहीं कन्हैया, एक बात थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये जब आप बोलते हैं कि बहुत जल्द ये शुरू होने जा रहा है, बहुत जल्द ये शुरू हो जाना रहा है, तो ये क्या है कि ये विश्वास बहाल नहीं कर रहा है। मेरे कहने का मतलब होता, मैं कोई नियत पर संदेह नहीं कर रहा हूं,
लेकिन हुआ है क्या कि चूंकि कालांतर में कई बार इस तरह की बातें की गई हैं कि ये शुरू हो जाएगा, ये शुरू हो जाएगा, हो जाएगा, ये बात कई बार फेल भी हो जाता है, तो क्या करना चाहिए, लोगों को ये स्वीकार करना चाहिए कि हमने जो जो बातें कही थी वो कामयाब नहीं हो पाया है। लेकिन हमारे नियत में संदेह मत कीजिए, कम से कम ये बात अगर नियत स्पष्ट नहीं हो रहा है ना, नियत स्पष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि 12 लाख कार्यकर्ताओं की आड़ में सारा शरीर छुप रहे थे और वो एक बहाना बना रहे थे कि 12 लाख के को देख करके इमोशनल कार्ड खेल रहे थे ताकि कोर्ट उनको रिलीफ कर दे। मान लीजिए एक पल के लिए इस आर्गुमेंट को हम मान भी लेते हैं, मान लीजिए, तो भी ये आर्गुमेंट तो अपने जगह पर सही था, चाहे इमोशनल आर्गुमेंट हो, लेकिन आर्गुमेंट तो सही था अपने जगह पर कि हाँ भाई 12 लाख कार्यकर्ता जो है उनकी परेशानी होने वाली है, उसको ध्यान में रखिए, झूठ ही सही। लेकिन ये बात तो मैं मानता हूं, मैं भी मान रहा हूं कि आर्गुमेंट तो सही था। अब मेरा सवाल है कि अब तो जो बीत गई सो बात गई, ठीक है। मेरा ये कहना है कि मैं बहुत संवेदनशील होकर के जो भी 3 लाख 4 लाख 5 लाख जो भी कार्यकर्ता बंधु हैं, मैं उनके परिवार की स्थिति को देखते हुए मैं ये सवाल अब उठा रहा हूं कि अब उनका क्या होगा, क्या करेंगे वो लोग? सब आप बंद कर लेंगे, सब कुछ हो गया, खेल हो गया, खत्म हो गया, आप सारे लोग सड़क पर आ गए, तो वो क्या मरते जाएंगे या कोई बीच का रास्ता निकलेगा? मेरा जो काम है, जैसे कि मैंने कहा कि मैं निवेशकों के साथ अगर खड़ा हूं तो निवेशकों की लड़ाई को एक एक पड़ाव तक मैं लेके गया। अब वहां से निवेशक और आगे बढ़ रहे हैं और अदालत में जा रहे हैं, उनका दबाव पड़ेगा, पड़ेगा ही, पैसा देना ही पड़ेगा। अब सवाल है कि कंपनी को, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं क्योंकि आप कंपनी के पक्ष को रख रहे हैं, तो अभी कंपनी वर्तमान में क्या कर रही है? पैसे लौटा करके साख को स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है या कंपनी सोच रही है कि अरे सरकार ने और कोर्ट ने दबाव दिया है, ठीक है हम उनको पैसा दे देंगे, देखते हैं 15,000-25,000 करोड़ मिल जाएगा, लोग सब शांत बैठ जाएंगे और अपना जो करना होगा करेंगे, क्या इस विचार पे है? मैं ये चाहता हूं कि आप ये पक्ष रखें, बताएं देश को कि कंपनी चाहती क्या है, और ये भी बताएं कि आपका आपका इसका स्रोत क्या है, तो आपका आपका एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा और आपकी बात को सत्य माना जाएगा, तो आपके ऊपर सवाल नहीं करेंगे। और एक बात और, जो कोई भी व्यक्ति कन्हैया शाह जी अगर कुछ कुछ लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, उनके खिलाफ मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि कोई अनर्गल टिप्पणी ना करिए, गाली गलौज की भाषा का प्रयोग ना करें, अपशब्द का प्रयोग ना करें, ना तो कंपनी के खिलाफ करें ना निवेशक के खिलाफ करें। गुस्सा है, नाराजगी है, मर्यादित शब्दों में आप अपनी बात कह सकते हैं, मर्यादित शब्दों में। चोर है तो डकैत है तो उसको मार देंगे, तो उसको ऐसे कर देंगे, ऐसा मत बोलिए प्लीज, ऐसा मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं, क्योंकि ये चेतनशील होकर के अगर काम करेंगे तो सबका समाधान हो पाएगा, अचेतनशील होकर के काम करेंगे तो लर मर कट पिट जाएंगे, खत्म हो जाएगा। तो इसलिए सब लोग, मुझे मालूम है आपके कष्ट को जब मैं महसूस कर रहा हूं, तभी तो मैं रोज आकर के आपसे बात कर रहा हूं, रोज कर रहा हूं। पहले मैंने देखा कि नहीं, पहले निवेशक को, तो निवेशक के साथ खड़ा रहा, आइए सतीश चतुर्वेदी जी जानते हैं, लगातार मैं खड़ा रहा और आज वो पीआईएल लग चुका है और वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब जो कार्यकर्ता बंधु है उसको हमको देखना पड़ेगा साहब, हमारी मजबूरी है, नहीं देखूंगा तो ये अन्याय होगा। हाँ बोलिए कन्हैया। पांच मिनट रिज्वाइन करिए। न्यूटन बोलिए, आपकी आवाज अगर सही है तो न्यूटन बोलिए, आप रिज्वाइन करिए, न्यूटन बोलिए, फिर सतीश जी बोलेंगे, न्यूटन बोलिए। जो लाइव देखा है उनको देखिए सर, हमारा कोई कंपनी विरोध में, कंपनी पक्ष में कोई का साथ तो हमारा विरोध नहीं है, कंपनी के लेके एक एक लोगों का एक एक सोच होता है, तो सोच के ऊपर बात करता है, एकदम सही बात है। लेकिन हमारा जो डिबेट
आपकी आवाज में गड़बड़ी है न्यूटन, आपकी आवाज में गड़बड़ी, आप अपना है सेट तैयार चेंज कीजिए, सेट चेंज कीजिए, कल भी हो रही थी परसों भी हो रही थी। सतीश जी, सतीश जी आप चूंकि एक निवेशक भी हैं और एक कार्यकर्ता भी हैं, आपकी क्या राय है, आप क्या चाहेंगे, क्या होना चाहिए? आपने हालांकि इसके पहले भी अपना बयान दिया है, लेकिन आप क्या चाहेंगे? धन्यवाद पाठक जी, लाइव में जुड़े हुए सभी साथियों को मेरा प्रणाम, जो दर्शक 10 करोड़ दर्शक इस वीडियो को देखते हैं उन सभी साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।